नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सेफ्टी ज्ञानी में। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज रिस्क मैट्रिक्स एंड व्हाट इज रिस्क रेटिंग, यानी कि रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क रेटिंग क्या है और हम रिस्क को किस आधार पर रेटिंग करें, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिस्क, क्योंकि रिस्क मैट्रिक्स जानने से पहले आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। तो रिस्क को सिंपल भाषा में कहें तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी। रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो रिस्क का फॉर्मूला है रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटू सीवियरिटी। कई जगह इसको प्रोबेबिलिटी इंटू सीवियरिटी कहते हैं, तो कई जगह पे लाइकलीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेज भी कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे रिस्क, यानी कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस ऑफ एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट होने की कितनी संभावना है, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और सीवियरिटी इज रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से जो भी रिजल्ट होता है उसे हम सीवियरिटी कहते हैं। अब देखते हैं रिस्क मैट्रिक्स। A risk matrix is a matrix that is used during risk assessment to define the level of risk by considering the category of probability or likelihood against the category of consequences or severity. तो आओ इसे समझते हैं। स्क्रीन पे एक रिस्क मैट्रिक्स का पिक्चर है। इसमें जो x एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है सीवियरिटी को, और जो y एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को। और ये जो रिस्क मैट्रिक्स है जिसमें तीन कलर बताए हैं, तो डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है ग्रीन, सेकंड येलो और थर्ड है रेड। अब ये तीन कलर अलग अलग रिस्क के लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ग्रीन कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है लो रिस्क को, यानी कि वो जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है। और येलो कलर रिप्रेजेंट करता है मीडियम रिस्क को, यानी कि वो जो रिस्क है वो टॉलरेबल है कुछ वर्क एक्टिविटी के लिए। थर्ड है रेड कलर जो कि रिप्रेजेंट करता है हाई रिस्क को, और ये जो रिस्क है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और इसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं रिस्क को रेटिंग कैसे दी जाती है। तो रिस्क का फॉर्मूला है रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू सीवियरिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी कितना है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो रिस्क मैट्रिक्स है ये हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो दो केस से हम समझते हैं। पहला केस है जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, कोई वर्कर है जो हाइट पे मटेरियल ले जा रहा है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे विदाउट एनी पीपी और सेफ्टी बेल्ट भी यूज़ नहीं किया है, और जो ब्रिज यूज़ कर रहा है वो भी सेफ नहीं है क्योंकि वो वुड का है और ना कोई रेलिंग है उसमें। तो जो लाइकलीवुड है या प्रोबेबिलिटी उसे हम रेट करेंगे 4, क्योंकि वो जो वर्कर है उसके नीचे गिरने की संभावना बहुत ही हाई है क्योंकि उसने कोई पीपी भी नहीं पहना है और ना ही कोई सेफ्टी बेल्ट, और जो ब्रिज यूज़ कर रहा है वो भी सेफ नहीं है क्योंकि वो वुड का है जो कभी भी टूट सकता है और ना ही उसमें कोई रेलिंग है। तो हम लाइकलीवुड को 4 रेट करेंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इस वर्कर ने ना कोई पीपी पहना है और ना कोई सेफ्टी हार्नेस, और ब्रिज भी वुड का है और ना कोई रेलिंग है, तो और अगर ये नीचे गिरता है तो उसे चोट लग सकती है या मौत भी हो सकती है, तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही हाई है। तो हम इसे 5 रेट करेंगे। रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, तो लाइकलीहुड 4 है और कॉन्सिक्वेंसेस 5 है, तो रिस्क इज इक्वल टू 4 × 5 जो 20 है, जो रेड जोन में आता है और जो रिप्रेजेंट करता है हाई रिस्क को, और जो टोटली अनएक्सेप्टेबल है और हमें इस पे इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं सेकंड केस। जैसे इस पिक्चर में एक वर्कर हाइट पे कुछ काम कर रहा है, उसने प्रॉपर पीपीई पहना है और सेफ्टी हार्नेस भी यूज़ किया है और प्रॉपर पोजिशन में बैठकर काम कर रहा है, तो लाइकलीहुड को हम 1 रेट करेंगे क्योंकि उसके नीचे गिरने की संभावना ना के बराबर है क्योंकि उसने प्रॉपर पीपी पहना है और सेफ्टी हार्नेस भी यूज़ किया है। प्रोबेबिलिटी को हम 1 रेट करेंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस, इस वर्कर के नीचे गिर के चोट लगने की संभावना बहुत ही कम है, तो हम कॉन्सिक्वेंसेस को 2 रेट करेंगे। तो लाइकलीहुड 1 है और कॉन्सिक्वेंसेस 2, तो रिस्क इज इक्वल टू 1 × 2 जो कि 2 है, जो कि लो रिस्क है और टोटली एक्सेप्टेबल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया हो।
थैंक यू।